या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रेणुका विधानसभा क्षेत्र की कोठी दीवान पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत प्रधान के खिलाफ डीसी सिरमौर को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में पंचायत प्रधान के पति द्वारा पंचायत के कामों में दखल देने के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बात करते हुए पंचायत के वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायत प्रधान का पति पंचायत के सभी छोटे बड़े कार्यों को में दखल अंदाजी करता है। पंचायत प्रधान कार्यालय भी नहीं आती है। यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए जाते हैं। मामले को लेकर पहले भी उपायुक्त सिरमौर को शिकायत सौंपी जा चुकी है, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई पंचायत प्रधान के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई। वार्ड सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में 8 अगस्त को हुई ग्राम सभा में जब वार्ड सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा विकास कार्यों के बारे में पूछा गया तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद वार्ड सदस्यों ने ग्राम सभा का बायकॉट किया और उक्त प्रधान और उसके पति के खिलाफ उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र के माध्यम से वार्ड सदस्यों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वार्ड सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रधान और उसके पति के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक वह लोग पंचायत की किसी भी मीटिंग और ग्राम सभा में नहीं जाएंगे। मेरा नाम विनोद कुमार है, गांव मेरा कोटी धुआन है, ग्राम पंचायत कोटी धुआन है। मैं कोटी धुआन से आया हूँ और वार्ड नंबर 2 से हूँ। मैं जो प्रधान श्री इंद्रामती जी और उसके पति श्री लायक राम जी, वो जब हमारी मीटिंग होती है वो दखलबाजी करते हैं और इस वजह से हम डीसी साहब से भी मिले आज और इधर पंचायत के बीपीओ साहब से भी मिले हम। उनके वजह से जैसे भी कोई काम होता हमारा प्रधान बैठती है अंदर तो आ जाते हैं, वहाँ पे कोई भी काम होगा तो वही आ जाएगा, लायक राम जी आगे कि हम तब तक मीटिंग में नहीं जाएंगे जब तक या तो उसकी पावरें छीनी जाए या उसको सस्पेंड किया जाए। और कोविड-19 का पैसा आया था, अभी तक कोई काम नहीं हो हमारे पंचायत में, वो पैसा अभी तक नहीं लगाया गया। नाम मेरा बिजरा देवी है, ग्राम पंचायत कोट दीमान से हूँ, वार्ड सदस्य हूँ 1 से। और जब हमारी मीटिंग होती है चाहे कुछ गलत ग्राम सभा भी थी उसमें भी हमने बोला था उनको कि भैया ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है हमारे को, और ग्राम सभा मीटिंग में भी उन्होंने जो जो भी कुछ बोला था हमने उन्होंने कुछ भी किया नहीं, अनसुनी बातें की थी, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने उसमें। फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए, जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है वैसे वो सबसे पहले वहाँ आ जाते, जो हम बोलते हैं कुछ चाहे कोई भी कर्मचारी वहाँ आए कि बैठक मीटिंग में वही बैठे जो इस वर्ग के सदस्य प्रधान हो वार्ड मेंबर हो चाहे कोई भी हो, पर उसमें वो बीच में आ जाते हैं कि ना भाई पर वार्ड मेंबर को थोड़ी है इसमें मेरा भी तो हक है, मगर बाद में करो चाहे जो कुछ भी ना आता हो हम सब कुछ देखेंगे, बाकी उसमें चाहे कुछ भी बोलो तो फिर वो लड़ाई के लिए शुरू हो जाते। हम तब तक नहीं बैठेंगे अब जब तक या तो उनको बाहर क्या जाएगा या फिर कुछ ना कुछ हम नहीं बैठेंगे फिर आज के कल से लेकर इस मीटिंग में। जी मेरा नाम अमरा देवी है, मैं कोटी डिमांड पंचायत से आई हूँ और वार्ड नंबर 5 से वार्ड सदस्य हूँ। और हमारे जो कल ग्राम सभा हुई थी उसमें भी थोड़ा ये हो गया ना प्रधान की ओर से, तो हम उसका समझौता करना चाह रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं किया उस बारे में, वो तो जी हमारे ऊपर लगाम लगाते जा रहे थे और उस वजह से हम वहाँ से उठ के बाहर आ गए क्योंकि वो हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना चाह रहे थे जी। और आज हमने डीसी साहब को भी अपना ये दे दिया लिखे। सर हमें जो है, मैं ग्राम पंचायत कोटी दमान का एक्स प्रधान रह चुका हूँ और अब नंबरदार हूँ, पहले भी था। तो हम डीसी साहब के पास ये पंचायत के प्रतिनिधि जो हमारे सदस्य हैं इनकी ना तो कोई बात सुनी जाती, और जो हमारी महिला प्रधान है उसका पति जो है ना अपने आप पावर सारी अधिकार उसने अपना जमा रखा, तो इस वजह से हम जिलाधीश के पास आए थे। और तो क्या, हमने उसको सर्वसम्मति से महिला प्रधान बनाई थी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें ऐसी उम्मीद थी भाई लोगों की भावनाओं के अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन अब आपस में जो है ना जी वो अपने वो बोलता मैं प्रधान हूँ और वो बेचारी शरीफ है उसकी पत्नी सारा वो जो है ना अधिकार अपने आप समझता है, इनके लिए भी वो लड़ाई के लिए पड़ता है जी। और ये लोग दिखाते हैं भाई हम जो है ऐसी है महिला है हम तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो इस डर के मारे जी हम सारे पंचायत के लोग अपने बचाव के लिए भी और विकास भी चाहते हैं,
हमारे पंचायत में जो है ना जी एक पैसा नहीं लगा, 8 महीने हो गए। और तो क्या, तो कोविड का पैसा आया था जो दुनिया के ऊपर महामारी फैली, इसकी इसकी ना तो कोई प्रचार प्रसार, ना सरकार से जो मदद आ रही वो भी लगा रहे पंचायत में। तो हम इस दुख के कारण जो है ना जी डी साहब से मिलने आए, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।